क्यों क्या क्या हमने उसको अब इसमें देखे कुछ लोग आयन आयन करके पढ़ते हैं हमारे आपने देखा होगा तो ये तीन हर्फ ही हैं तो इसमें वो गलती भी खत्म हो जाएगी कैसे पढ़ेंगे आयन आगे जुजा कर आगे छोटे छोटे पॉइंट आप खुद इंशाल्लाह दोबारा जब अलिफ बात पढ़ेंगे ना आपको खुद पता चलेगा कि यार वाकई ऐसे पढ़ना चाहिए था। अब शुरू में नंबर एक ठहराव के साथ पढ़ना है, नंबर दो क्या है तीन हर्फ जो हरूफ होंगे उस पर मद करनी है, नंबर सात तीन में देखें आप में से किस किस को पता है मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ कितने हैं हाथ खड़ा करिए जी। आज के बाद इंशाल्लाह बल्कि एक मिनट के बाद आप सब हाथ खड़ा करेंगे इंशाल्लाह और उसका फायदा भी आपको नजर आएगा, सिर्फ कारी साहब ने हाथ खड़ा किया तो क्यों ना हम सबको पता हो इस चीज का। उसके लिए याद रखें ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं सात हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। हम सूरह फातिहा में भी गलतियां कर रहे होते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो जब आपको इन सात हरूफ का पता होगा कि ये हमेशा मोटे होते हैं तो कितनी गलतियां खत्म होगी कुरान की हजारों गलतियां आपकी खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए हम एक मिनट थोड़ी कोशिश करते हैं। पहला हर्फ क्या है ऊंची आवाज से और उसके बाद देखिए चारों एक साथ हैं वो हमें पहले से ही आते हैं, थोड़ा सा गौर करें इनको पांच को वापस दोहरा लें ताकि अच्छे से याद हो जाए। तीन हरूफ
ऐसे हैं जिन पे सीटी की आवाज आनी चाहिए। अभी आपने शुरू में पहली दफा पढ़ा था ज़ा सीन सॉल, सबने ऐसे पढ़ा ना इल्ला माशाल्लाह। तो अब क्या करना है आपने, उनका नाम लेने से पहले एक सीटी की आवाज पैदा करनी है। कैसे? ज़ा, इसका फायदा आपको नजर आएगा जी। ज़ा पहला हर्फ क्या है सीटी वाला? ज़ा सीन सॉल। पहले आप सिर्फ नाम ले रहे थे उसका, अब क्या किया आपने, उसकी आवाज, उसका नाम लेने से पहले आपने सीटी की आवाज लगा दी। मिसाल के तौर पे पहले हम पढ़ते हैं वत्तीनी वज़ैतून, अब क्या पढ़ेंगे वत्तीनी वज़। लफ्ज़ सही होगा नहीं होगा? इसी तरह वस्सला इदस्सला, कुछ लोग अपने सूरत नास सुन रहा था तो कहते बुलाओ तो रब इतना मालिक इतना, आप बताएं क्या ऐसा पढ़ना सही था? आप पढ़ के देखें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हम, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला, तो क्या करना चाहिए इसमें सीढ़ी की आवाज सख्ती से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला। ये तीन चीजें आप इनको भी थोड़ा गौर कीजिएगा। इसके बाद आपने देखा होगा तजवीद की किताबों में या कायदों में आखिरी सफ़े पे दांत और जबानें वगैरह बनाई होती हैं मखारिज समझाने के लिए, तो हम लोग उसका गौर नहीं करते। तो मैंने कोशिश की कि इसे पहले सफ़े में ही पूरा कंट्रोल ला दूँ। अब आप देखें अलिफ वाओ या के अलावा, यहाँ पे लिखे हुए कायदे में भी अलिफ वाओ या के अलावा किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो, किसी भी हर्फ का मखरज यानी वो लफ्ज़ कहाँ से अदा होता है, तो उसका आसान हल आपके सामने है। मिसाल के तौर पे आप लाम पे नजर रखें और उस लाम को साकिन करके उससे पहले हमजा ज़बर आ लगा दें, ये बनेगा हमजा लाम ज़बर अल। अब खुद महसूस करें जबान कहाँ पे टच हो रही है, सब बच्चे बेटा हाथ हमजा लाम ज़बर अल हाथ लगाए कहाँ पे टच हो रहा है, तो ये आपको पता चला कि ये लाम का मखरज है। इसी तरह हमजा फा ज़बर अप, हमजा सीन ज़बर, हमजा जीम ज़बर अज, हमजा हा ज़बर अह, हमजा मीम ज़बर अम, जहाँ पे भी ये आवाज़ ठहरी वही उसका मखरज होता है। इस पर भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हलक से निकलने वाले छह हरूफ, हलक ये जो हमारा गला है ये तो हम क्या कहते हैं हरूफ हलकी हैं, सब क्या कहते हैं हरूफ हलकी हैं हलक से निकलने वाले। उस हलक में भी तीन पॉइंट अलग अलग हैं। सबसे पहले दो हरूफ हमजा हा, हाथ रखे यहाँ पे हाँ बिल्कुल, इस पे कुछ लोग मैंने देखा तो यहाँ पे बड़े कारी बनते हैं हमजा कह देते हैं, तो हमजा आप नहीं कह सकते यहाँ पे, क्या कहेंगे हम, जो उर्दू का हर्फ है हम बैठे हैं हम खड़े हैं हम बोलिए हम हमजा हा, ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। ये नीचे सेंटर में हाथ रखे हड्डी वाली जगह पे आईन हा आईन हा, ये दो जो हरूफ है इसको बहुत आप गौर कीजिएगा। जैसे सिरात अल्लदीन अनअमत हम पढ़ते हैं सिरात अल्लदीन अनअमत या अनअमत, ये है आईन का मखरज। इसी तरह उससे ऊपर चले गए जैसे सीढ़ियां होती हैं पहली दूसरी तीसरी, ये जो हरूफ हल्की हैं इसी तरह है अलग अलग, सबसे निचला दरमियाना फिर उससे ऊपर, इसी तरह गैन खा के लिए और ऊपर चले जाए थोड़ा हाथ रखें हमजा हा आईन हा सेंटर में और उससे ऊपर गैन खा, छह के छह हरूफ हैं इनमें तीन मखारिज हैं। इसी तरह हम आवाज हरूफ जैसे ता और ता
और पा, दोनों में फर्क करना जरूरी है। जैसे कुछ लोगों का आपने सुना होगा इया गनाबुदु व इया गनस्ताईन, गनस तो ये एक एक हर्फ पर ख्याल करना है, मोती की तरह पढ़ना है, पता होना चाहिए कि ये ता है तो आवाज भी ता की ही आनी चाहिए। ये ना हो कि इया गनाबुदु व इया गनस्ताईन इहदिनस सिराज अल मुस्तकीम, उधर जाकर बदला उतार देते। तो कोशिश करें, यही है अलिफ बा, ये जो आपके सामने सफा है यही पूरा कुरान है, इस पे आप तवज्जो दीजिएगा इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। उसके बाद देखें हा हा वश्शम्सि वदुहा, हा हा पढ़ सकते हैं, ये अभी जो आपने पिछले हरूफ समझे मखारिज ये वही हैं। हा है तो उसको आपने सेंटर से अदा करना है और हा है तो नीचे आ जाए। वश्शम्सि वदुहा हा, इसी तरह कॉफ मोटे कॉफ में और बारीक कॉफ में फर्क, दा सीन और स्वाद में फर्क करना जरूरी है। दाल जा, जैसे इदा ज़ुलज़िला, इदा पहले हर्फ क्या आ रहा है लाल, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या करेंगे उसको नरमी से पढ़ेंगे, और दूसरा जो हर्फ आ रहा है उसको क्या करेंगे सख्ती से पढ़ेंगे। इज़ा ज़ुलज़िला, आप सुन के देखिएगा किसी का टेस्ट देने के लिए तो क्या पड़ेगा, इज़ा ज़ुलज़िला, यानी कोई फर्क ही नहीं होता उसमें, तो ये फर्क लाना जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। इसी तरह अलिफ से लेकर या तक एक बार आप पढ़ेंगे, लेकिन पहले जैसे आपने पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, वादा करते हैं। अल्लाह ताला आपको अलिफ से लेकर या तक आपने पढ़ना है, सबसे पहले क्या करना है ठहराव लाना है, जल्दबाजी सिर्फ रट्टे होते हैं, चाहे एक साल भी बच्चा आता जाता रहेगा ना, वो सिर्फ रट्टे रहेंगे, उसको कुरान की पहचान नहीं होती, इस वजह से छह बार आप कायदा खत्म कराते हैं, बच्चा जाकर फिर हिज्जे कर रहा होता कुरान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है ठहराव लाना है अपने अंदर। नंबर दो, तीन हर्फ पे मत करना है अलिफ और हमजा के अलावा जी, और ये जो सात हरूफ है इनको क्या करना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, अलिफ आवाज ऊंची रहे, ता जी, इसके लिए तीन उंगलियां खोल लिया करें, जी बोलिए जी, पूरा कुरान बने हुए हैं।
तो आपने इन सात के अगर गौर कर लिया, इनकी पहचान हो गई, कुरान का एक एक हर्फ आपको साफ नजर आएगा, मोती की तरह नजर आएगा, और आप बगैर गलती के उसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले बोलिए नंबर एक क्या है? बड़ी हरकत, साथ नहीं दे रहे आप, मजा नहीं आएगा फिर। बड़ी हरकत तनवीन, खड़ी हरकत रूफ मद्दा, रूफ नीन सुकून तशदीद। अब जब सबको पता है माशाल्लाह कि ये जबर है, जेर है, पेश है, उसके बावजूद जब हम कुरान खोलते हैं तो हमारी जबर जेर पेश की गलतियां क्यों आती हैं, वो किसी को पता है? वो इस वजह से आती हैं कि हमारे यहाँ उस एक तरीके से पढ़ाया जाता है, बाज़बर बा, बाज़ बी, बा पेश वू, जो सही तरीका है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर इससे हट के आप इस तरह पढ़ेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए हम तो पढ़ा देते हैं, सामने वाले की अपनी मर्जी होती है वो उसको कैसा समझे और कैसा पढ़े। उसके लिए याद रखें, जब भी आप जबर जेर और पेश की हिज्जे करेंगे तो चार तरीकों से अदा होगा। कितने तरीकों से? मुंह से निकल सकता है चार तरीकों से, उनमें से तीन तरीके गलत हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। चार में से तीन तरीके क्या हैं? गलत हैं। जब आपको पता होगा तब आप उससे बचेंगे ना, जब पता ही नहीं होगा तो आप कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। तो याद रखें, जबर जेर और पेश की हिज्जे जब आप करेंगे तो तीन चीजों से बचना है। नंबर एक, झटका नहीं होना चाहिए, जबर जेर पेश वाले हर्फ पर बा बी वो नहीं होना चाहिए। और कीजिएगा, पूरा कंट्रोल है इसमें, इस सफे में कुरान का इंशाअल्लाह। क्या नहीं होना चाहिए? जबर जेर पेश वाले हर्फ पर झटका नहीं होना। नंबर दो, जो गलती बहुत पाई जाती है, जबर जेर पेश वाले हर्फ को हम खींच देते हैं, बा जबर बा, बाजे बी, बा पेश। उस्ताद भी सुन रहा है, बच्चे भी सुनने वाले हैं, माशाल्लाह मेरा बेटा शोर मचा के पढ़ रहा है, अच्छी आवाज से पढ़ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है आप खुद गौर करें, गलती बनती जा रही है। कभी भी जबर से पेश वाले हर्फ को खींचना नहीं चाहिए, इस जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर तीन, जो बड़े हजरात में गलती पाई जाती है, हर्फ को मजबूर पढ़ देना, बा बे वो ता ते, इस गलती पे थोड़ा गौर करें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी कुरान की गलतियां खत्म हो जाएंगी। तो किन तीन चीजों से बचना है जबर जेर पेश पढ़ते हुए? लंबा नहीं करना और मजहूल यानी लफ्ज को उठा के नहीं पढ़ना, बिठाना है। पूरे कुरान में एक हर्फ है, 12वीं 12वीं सूरह हो तो बिस्मिल्लाह मजरे, रे को आप री नहीं पढ़ सकते, उसको कतरे सितारे वो वाला रे लगाना है। उसके अलावा जितने भी हैं अल्हम्दु अल्हम्दो नहीं कर सकते, लिल्ला ही हे नहीं कर सकते। तो एक हाजी साहब को मैंने बहुत कोशिश की उनको पढ़ाने की, बाज अबर बा बाज ए बी, ओके मैं बोलूँ बाज ए बी, वो बोले बाज ए बे, वो हकीकत जो रट्टे लगाए हुए ना उन लोगों ने, ताज ए ती वो बोले ताज ए ते। तो करीबन मैं खुद मेरा एंड हो गया उनको समझाते समझाते, तो हरम में बैठा था कुदरती तौर पे एक जहन में आया जिसका बहुत फायदा हो रहा है, आप भी उठा सकते हैं। अगर मेरा कोई भाई या बहन हर्फ मजहूल करते हैं उसका आसान हल है, ए बी सी तो सबको आती है ना माशाल्लाह, तो ए के बाद क्या आता है? तो ये बी मेरे काम आ गया वहां हरम में बैठे बैठे। तो बाजे बाजे ऊंची आवाज से बाजे, ताजे साजे, जीन से, इसी तरह मीम से, लाम से, यहाँ तक कि या आ जाएगा, क्या कहेंगे? या से जी, अल्हम्दुलिल्लाह से तो नहीं होगा ना आज के बाद, राल किताब ला वही बफी हे यही उला इका या उला एका, ये और कीजिएगा, ये दिखने में एक गलती नजर आ रही है आपको, लेकिन इसी की वजह से आप कुरान में जोल पढ़ते थे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो चौथा जो सही तरीका है, लगाते जाएं, थोड़ा सा जहन बने, जब आपको पता चल गया कि इस जबर जेर पेश के हमारी ये गलती आ रही थी अब नहीं आएगी, तो आना हर्फ कोई भी हो,
ता के बदले में ता आ जाए, क्या करेंगे? मी सा आ जाए तो सा, सी, मीम आ जाए तो मा,